आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मंत्र जाप करने से हमारे घर में गंदी शक्तियां या नेगेटिविटी कैसे घुस जाती है। आप लोग कहोगे कि कैसा बेकार सा सवाल है, मंत्र जाप भी करो और नेगेटिविटी भी आ जाए। बिल्कुल आती है भाई, और एक नहीं मैंने हजारों लोगों से मैं बाई फेस मिला हूँ जिनके साथ यही प्रॉब्लम है। अभी ये वीडियो बना रहा हूँ उससे कुछ हो सकता है 8-10 दिन पहले एक भाई मिले हमसे। उन्होंने कहा मैं मंत्र जाप करता हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अशांत हूँ, मैं कोई बात बोलता हूँ वो सच तो हो जाती है लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं चल पाता, और एक मानसिक अशांति इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता। तो बुलवाने वाले तो भाई ठाकुर जी हैं, हमने उनसे कहा कि आप कोई उग्र मंत्र की साधना कर रही हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं काली माता के मंत्र की साधना करता हूँ। हमने उनको आगे से मंत्र बताया कि आप इस मंत्र की साधना करते हो। उन्होंने कहा हाँ भाई। उन्होंने हमें दिखाया, लिखा हुआ था वो मंत्र, इस मंत्र गुरु है नहीं है। देखो सबसे बड़ी मुसीबत यही आ जाती है। उग्र मंत्र का मतलब क्या होता है, जो मंत्र कम समय में ज्यादा काम करे उसको उग्र मंत्र बोलते हैं। अब लोगों ने कहीं से वीडियो देख ली, कुछ और कर लिया, किसी मुझ जैसे पाखंडी के मुख से कुछ सुन लिया, बस भाग चलते हैं उसी मंत्र की तरफ कि अब तो ये मंत्र करना है, क्योंकि हर किसी को कम से कम समय में ज्यादा चाहिए भाई। कोई तो अपने व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में है, कोई घर की शक्तियों को पाने के चक्कर में है, कईयों का यह है कि बस कुंडलिनी जागृत कर ले, थर्ड आई जागृत कर ले और हम भगवान शिव हो जाएंगे। ना भाई ना, जितना आसान दिखाई देता है ना उससे लाख गुना ज्यादा मुश्किल है ये चीजें, ऐसे नहीं होती। और जिन लोगों को सिद्धियां मिली हैं उनको खुद नहीं मिली है। सबसे पहले तो अगर आप कोई मंत्र करना चाहते हो तो गुरु बनाओ। गुरु कौन है जो शिष्य से कुछ भी ना ले और अपना सब कुछ शिष्य को दे दे? शिष्य कौन है जो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, नौछावर कर दे? अब बोलोगे गुरु तो मिलते ही नहीं, मुझे पता है इससे पहले कमेंट आ चुके होंगे एक दो, और हो सकता है आप मेरी बात सुन के वो डिलीट भी कर दे। गुरु तो मिलते ही नहीं, गुरु तो मिलते हैं भाई, शिष्य नहीं मिलते। एक बार अपने अंदर शिष्य का भाव जागृत करो, अपने आप को सामने वाले के ऊपर दोष दे दिया वो गुरु नहीं है, क्या आप शिष्य बन पाए? क्या इतना आसान है शिष्य का मिलना, क्या इतना आसान है गुरु का मिलना? ना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं शिष्य नहीं मिलता, कहीं गुरु नहीं मिलते। जिस दिन आप शिष्य बन जाओगे भगवान गुरु का रूप लेकर आपके घर आ जाएंगे। लिख कर देने के लिए तैयार हूं अगर मेरी एक भी बात झूठ हो तो। पहले शिष्य बन जाइए। अब हो सकता आपके सवाल को बड़ा कर देता हूं, आपको गुरु नहीं मिल रहे तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुलसीदास जी ने कहा है भगवान शंकर के लिए कि भगवान शिव त्रिभुवन गुरु हैं, भगवान शिव को आप अपना गुरु बना लो। भगवान शिव को गुरु कैसे बनाए आगे लिखो अशोक कुमार, हमारी वीडियो आ जाएगी, एक एक बात उसमें करके दिखाई गई है, वैसा ही करो गुरु बन जाएंगे भगवान शिव। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, शांत सौम्य मंत्र का 125,000 जाप करो, फिर 125,000 जाप करो, पूर्णतः शुद्ध और सिद्ध हो जाएगा मंत्र। लेकिन हम गलती कहां कर बैठते हैं, यूट्यूब से ले लिया, किसी से भी हमने किसी भी यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला ये मंत्र है, ओह चलो यही करते हैं। उग्र मंत्र वो होता है जो कम समय में ज्यादा चीज दे देता है लेकिन उसका प्रभाव मजबूत होता है। माता काली के जो मंत्र है वो उग्र मंत्र है, बाबा हनुमान के जो मंत्र है वो उग्र मंत्र है। उग्र मंत्रों के अंदर अग्नि तत्वों की प्रधानता ज्यादा होती है और वो एकदम तेजी से काम करते हैं, और हमारा शरीर उस चीज को पचा नहीं पाता। हमारी शरीर की जो मंत्रों की पाचन शक्ति है वो बिल्कुल शून्य है, क्योंकि हमने पहले कोई मंत्र सिद्ध नहीं कर रखा है, तो वो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जो मानसिक रूप से बिल्कुल मेंटल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उग्र मंत्र को गलत तरीके से जाप किया था और आज उनकी ये हालत है। तो इसीलिए सबसे पहले गुरु बनाओ, गुरु नहीं मिल रहे हैं तो भगवान शिव को गुरु बनाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। नीचे आसन लगाकर बैठो, जब हम पालथी लगाकर बैठते हैं, इस समय मैं पालथी लगाकर बैठा हूं, आप भी एक बार अभी वीडियो चलते चलते प्रैक्टिकल करके देखो इस चीज को, पालथी लगाकर बैठो। पालथी लगाकर जैसे ही आप बैठोगे आपका पूरा शरीर ट्रायंगल की शेप में त्रिभुज आकार बन जाएगी, आपका पूरा शरीर इस समय ट्रायंगल की शेप में त्रिभुज आकार बन चुका है। अब एक बात बताइए, हर मंदिर ऐसे ही क्यों होता है? हर मंदिर आपने शंकु आकार ही देखा होगा, क्यों होता है मंदिर ऊपर की ओर ऐसे क्यों मिल जाता है? क्योंकि जैसे ही कोई भी वस्तु ट्रायंगल शेप में आती है तो जो हमारे यहाँ महिला जो चोटी होती है उसको बोलते हैं सहस्त्रार चक्र। जैसे ही हमारा शरीर ट्रायंगल शेप में आया उसी समय पर ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है जिसको दैवीय एनर्जी बोलते हैं, देवी देवताओं की शक्ति बोलते हैं, वो
इस बिंदु पर गिरना शुरू हो जाती है। जैसे ही हम पालथी लगाकर हाथ में माला लेकर बैठते हैं, उसी समय पर ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र यानी दसवें दरवाजे पर गिरती है और उसके जरिए पूरे शरीर में आ जाती है। जैसे ही सहस्त्रार चक्र पर एनर्जी गिरी, नीचे जो सबसे पहला चक्र है जिसको मूल आधार चक्र बोला जाता है, वो जागृत होना शुरू हो जाता है। तो नीचे आसन बिछाना जरूरी है। अगर नीचे आसन नहीं होगा तो हमारी एनर्जी पांव के जरिए, पांव के अंगूठे के जरिए नीचे जमीन में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सोख लेगी उस एनर्जी को और हमारे शरीर की सारी एनर्जी पृथ्वी के अंदर चली जाएगी। ऊपर से तो आई थी एनर्जी, लेकिन पांव के अंगूठे के माध्यम से पूरी एनर्जी पृथ्वी के अंदर चली गई, हमारे पास कुछ नहीं बचता। इसलिए पहली बात तो नीचे आसन लगाओ। दूसरी बात, संकल्प करके बैठा करो। संकल्प जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं ना, हाथ में जल लेके कि फॉर एग्जाम्पल बाबा हनुमान सामने बैठे, बाबा हनुमान मेरा नाम ये है, पितापति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, गोत्र ये है, इस समय इतनी माला करने जा रहा हूँ, आप मेरी सुरक्षा करिए और मेरे जाप को मुझ तक ही रहने दीजिए। ये हुआ आपका संकल्प। उसके बाद सुरक्षा चक्र यानी जिसको लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, अपने हाथ में दाएं हाथ में जल लेके और अपने ऊपर से क्लॉकवाइज एक फेरी दो और प्रार्थना करो, बाबा हनुमान हम आपकी सुरक्षा घेरे में बैठे हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से हमें बचाइए, हमारा जाप चोरी होने ना पाए। अब आप सुरक्षा घेरे में हो, नीचे आसन है, कोशिश करो कोई छोटा सा कपड़ा सर के ऊपर भी रखा जाए, इससे पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा इकट्ठी होती है। माला, अब लोग कौन सी गलती करते हैं माला करते समय भी, ये माला है, कुछ लोग दूसरी उंगली पे चलाते हैं, मैं तीसरी पे चलाता हूँ भाई, अपने अपनी योग्यता हो तो जो दूसरी पे चलाओ तीसरी पे, ऐसे माला चलाते रहते हैं। अगर खुली माला चलाओगे तो इसका जाप यहाँ इकट्ठा होगा ही नहीं, बाहर भाग जाएगा भाई, यहाँ इकट्ठा नहीं होगा। तो इसके लिए गोमुखी, इसको गोमुखी बोलते हैं भाई, इसके अंदर माला रखो। जिनके पास गोमुखी नहीं है वो हाथ के ऊपर कोई कपड़ा भी रख सकते हैं, गोमुखी में रख के फिर माला को चलाओ, इसका पूरा जाप इसके अंदर रहेगा। जब पूरा जाप इसका अंदर रहेगा तो आपकी ऊर्जा चोरी नहीं होगी, कोई भी देवी देवता चोरी नहीं कर सकता अब इसकी। अब आपने नीचे आसन लगाया, सावधान मुद्रा में बैठे हो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी। अगर देवी देवता का सामने दीपक जलाओगे फिर तो कहना ही क्या है, गोमुखी के अंदर माला है यानी पूरा जाप आपका आपके पास है, कोई नहीं ले सकता। लक्ष्मण रेखा आपने पहले से ही लगा ली है, आपका जाप आपके पास ही रहा, अब उसको चोरी होने का भय नहीं है, कोई नेगेटिविटी आपके अंदर आने का कोई भय नहीं है, ये काम करना है। उसके साथ गुरु मंत्र करोगे जल्दी जागृत होगा, सही होगा। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता मैं मंत्र जो कर रहा हूं वो सही भी है या गलत है, कुछ लोग मंत्र का गलत जाप करते हैं, कुछ लोग मतलब मंत्र नहीं बोलूंगा मैं यहां, लेकिन कुछ लोग शब्द कुछ और होता है पढ़ कुछ और लिखते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। गलत मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, गलत मंत्र का जाप करोगे तो वो आपको केवल और केवल नुकसान देगा, और मंत्रों का जो उच्चारण है वो सही तरीके से नहीं करोगे तो पूरा फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ शांत सौम्य मंत्र करो, माता काली की पूजा करते, काफी लोगों का मेरे पास ये रहता है कि माता काली की पूजा करते हैं लेकिन ओम क्रीम कालिकाय नमः यह मंत्र उग्र मंत्र है, तो क्या करें, आप ओम दुम दुर्गाय नमः यह मंत्र करो, शांत मंत्र है, वही माता काली है, वही माता दुर्गा है, वही भगवान शिव है, कोई अलग नहीं है। सात्विक मंत्र करना, ओम नमः शिवाय, कितना प्यारा और छोटा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम राम रामाय नमः। कुछ लोग कहते हैं बाबा हनुमान का मंत्र करना, लेकिन बाबा हनुमान के मंत्रों में भी तो अग्नि तत्व ज्यादा है, हमारा शरीर पचा नहीं पाएगा उस चीज को, तो पहले आप ओम राम रामाय नमः करो, या फिर मंत्र करने के तुरंत बाद एक माला राम सीताराम राम सीताराम ये माला करो आप, उससे मंत्र शांत हो जाएगा। मंत्र के आगे पीछे ओम लगाकर जाप करो, मंत्र लोक भी हो जाएगा, मंत्र शांत भी हो जाएगा और आपके जाप को कोई चोरी भी नहीं कर पाएगा। जैसे ओम नमः शिवाय ओम, आगे और पीछे ओम लगा के जाप करोगे शांत हो जाएगा। वो देवी देवता जिसके कण जिसकी शक्तियां जिसके दूत गण आपके पास आए हैं वो तीव्र वेग से नहीं आएंगे, वो बिल्कुल शांत होकर आएंगे आपके पास। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार नेगेटिविटी आ जाती है और बचने का क्या उपाय है। यही उपाय है भाई, आप पहले सात्विक मंत्र को सिद्ध करिए, गुरु शरण में जाइए, वहां से मंत्रों की कार्यविधि को आगे बढ़ाइए, अन्यथा आपका पत्ता हिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहां कहीं से मंत्र उठा लिया, किसी के मुख से सुन लिया, कोई और उस मंत्र का जाप कर रहा मैं भी वो करूं ना,
बंद करो इस भसड़ को, हमें इस भसड़ में शामिल नहीं होना है। अगर ऐसे ही भेड़चाल का हिस्सा बनोगे कौन पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा। इसलिए अलग रहो, अपने कुलदेवी कुलदेवता का साथ पाते रहो, पितरों को मनाते रहो, गुरु महाराज की शरण में रहो। गुरु नहीं है, भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। तो इस वीडियो को अन्य लोगों के पास शेयर करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। उठाकर इस वीडियो को अन्य लोगों को दिखाइए, उन्हें भी समझ आ सके ये बातें। जय श्री श्याम।